तनवीर से शुरू करते हैं और यंगस्टर्स की परफॉर्मेंस पे बात करते हैं, तो 28 बॉलों पे 40 रन बनाए आजम ने, जैसे इससे पहले वाली इनिंग की बात कर रहे थे यूनुस, तो कह रहे थे कि जब आप इतना खेलते हैं तो आपको फिर आगे लेके जाना है और जब आप एंड में इस तरह का खेल रहे हैं तो फिर फिनिश करना है। आजम का मसला वही रहा कि वो रन आउट हुए, एंड दिस इज द थर्ड टाइम कि वो रन आउट हुए। नजीब, इस इनिंग से मैं ज़रा पीछे जाऊंगा थोड़ा सा, और मुझे जाना भी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब आजम पीएसएल के अंदर आए थे और जब हमें साफ एक क्लियर एक चीज़ नज़र आती थी कि पूरी मशीनरी लगी हुई इनको किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान खिला दिया जाए, वो नज़र भी आता था। बात यह है कि मैं उस टाइम से कह रहा था कि यार इस बच्चे को थोड़ा सा टाइम दे। टाइम क्या दे? अपनी बैटिंग इम्प्रूव करे, अपनी फिटनेस इम्प्रूव करे, इन चीज़ों को वो इम्प्रूव करे। जो कि मेरी बातें बहुत बुरी लगी लोगों को कि ये क्या मतलब बातें कर रहा है। अब यही चीज़ आपको कल के मैच में भी नज़र आई, फिटनेस नहीं थी, रन आउट हो गया। अगर आप फिट होते आप पहुंच जाते। पूरे इस पीएसएल के अंदर दो से तीन दफा वो रन आउट हुआ, उसके बाद दो से तीन दफा वो बचा भी। स्किल्स ये सब होना जरूरी है, लेकिन फिटनेस आपकी होना बहुत जरूरी है। आप लीग की हद तक तो सर्वाइव कर जाएंगे, लीग की हद तक इस तरह सर्वाइव करेंगे, किसी ने आपको पसंद कर लिया, आपको दूसरी टीम में खिला दिया, किसी ने अपनी मर्जी से यहाँ से ले लिया, ये सलाम दुआ जो चलती रहती है हमारे यहाँ पे। सुनो, स्किल तो है ना, मैं वो बात नहीं कर रहा, सुनो ना मेरी बात। नहीं, इस पे सलाम दुआ, स्किल्स की बात तो है, मेरी पूरी बात सुनो। स्किल्स के हिसाब से मैं ये कह रहा हूँ कि इधर से उधर इधर उधर चला जाएगा, लेकिन ये जो फिटनेस, इस फिटनेस इंटरनेशनल लेवल, इंटरनेशनल क्रिकेट आप नहीं खेल सकते। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, शाहिद अफरीदी की। शाहिद अफरीदी ने भी अभी एक चैनल पे बैठ के यही बात की, उनसे बात हुई कि जी आजम के अंदर स्किल्स बहुत है, टैलेंट बहुत है, सब कुछ है, लेकिन क्या इंटरनेशनल क्रिकेट में वो खेल सकते हैं? उन्होंने स्ट्रेट अवे बोला नहीं, इस फिटनेस के साथ आप इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाइव नहीं कर सकते। शाहिद साहब, तो हम भी तनवीर का ये जो आजम के ऊपर टॉपिक है, बड़ा बड़ा फेवरेट टॉपिक है इनका, फेवरेट टॉपिक ये बना दिया क्या? फिटनेस के ऊपर लेके फेवर की बात करता हूँ, आप मुझे बताइए आप क्या सोचते हैं? कल के मैच के बाद यकीनन मैं तनवीर की बात को एंडोर्स करूंगा। थैंक यू शाहिद भाई, बहुत थैंक यू, गाजर का हलवा मेरी तरफ से। वो एक बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, लेकिन अगर आपने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है तो आपको अपनी फिटनेस बेहतर करनी होगी। 3 रन आउट 1 स्टंप, ये तीनों फिटनेस, लैक ऑफ फिटनेस को शेयर करते हैं। यानी आपका वजन ज्यादा है, आप कम बैक नहीं कर सकते क्रीज में, आप रिटेन नहीं कर सकते अपनी क्रीज, तो ये आजम को बेहतर करनी होगी। तो ये एक प्रॉब्लम नजर आया उसकी बैटिंग में, और ऐसे पावर हिटर का रन आउट या स्टंप होना सुइसाइडल है, खुदकुशी है, इसलिए कि वो बोल्ड हो जाए मारते हुए, वो कैच हो जाए बाउंड्री पे तो समझ में आता है, बिल्कुल ठीक है, समझ में आता है। लेकिन अगर वो रन आउट हो रहा है तो टीम का उसको बहुत नुकसान हो रहा है, और रन आउट वो इस सूरत में हो रहा है। शाहिद साहब साथ ही रहिए, आपसे और भी टॉपिक पे बात करनी है। यूनुस की तरफ आता हूँ। यूनुस, एज परफॉर्मर हम थोड़ी सी उसकी बात करते हैं, एज विकेट कीपर और बैटर अगर हम देखें, 296 रन्स 12 मैचेस में, इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए एलेक्स हेल्स के बाद सबसे ज्यादा रन है। इस पीएसएल में 250 हैं उनके, डिसमिसल्स उनके मोस्ट इन पीएसएल 7 है, जो कि 6 स्टंप 3 स्टंप और 6 कैचेस हैं। तो परफॉर्मेंस तो में तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा। नहीं, उसके बाद आप डोमेस्टिक की भी तो बात करें थोड़ी। हां, डोमेस्टिक की भी तो बात हम कर चुके हैं पहले भी प्रोग्राम में, कायदे आजम ट्रॉफी में भी उनका 32.6 का एवरेज है। आप किसी के मुताबिक भी कोई भी बात करनी तो आपने फिर उसके मुताबिक हर कहते हैं ना, बॉक्स को टिक करना है। मेरे ख्याल से वो सीजन के मैं इसलिए ये बात नहीं करूँगा, शायद मेरा मोइन खान मेरे कैप्टन थे या मेरे उनके साथ बहुत रबता है, मैं उनके साथ मिलता हूँ, तो ऐसे कोई बात नहीं। देखिए, आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत तो है, इंटरनेशनल लेवल पर जब आप खेलते हो तो आपको बहुत से बॉक्स टिक करने हैं, उसमें फिटनेस है, उसमें कमिटमेंट है। लेकिन बाजूकत मैं ये देखता हूँ कि अगर आप हिस्ट्री देखें रनआउट्स की, तो ऐसे प्लेयर भी हमें नज़र आए हैं जो कि फिट थे। तो ये सिर्फ फिटनेस ही नहीं है कि आप फिटनेस, अगर आप हैवी हैं तो आप रनआउट होंगे। हमने ऐसी भी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप हिस्ट्री ज़रूर खोलिएगा कि रनआउट्स कौन से प्लेयर ज़्यादा हुए हैं। पाकिस्तान के तो बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो रनआउट्स होते थे और वो फिट भी होते थे। तो ये डिसीजन मेकिंग भी है इसमें, आप समझे, एक यंग प्लेयर जब आता है वो खेलने के लिए आता है और सामने उसके टॉप के प्लेयर होते हैं, तो आप वो डिसीजन मेकिंग में भी आता है कि इस तरफ ये नहीं कि आपकी फिटनेस नहीं है तो आप रनआउट होते हो। ऐसे ऐसे बहुत से प्लेयर देखे जो फिट भी थे और रनआउट भी, तो आपने एड्रेस करनी है चीज़ें, ठीक है। हम खुद कह रहे हैं कि इस लुक्स के साथ आप ऑकवर्ड लग रहे होते हो, आपको बिल्कुल इम्प्रूव करना है। लास्ट मिनट हमारे पास रह गया है। शाहिद साहब, कल बिग फाइनल के लिए जो आज बातें हो रही हैं, डिस्कशन में आ रही है, वो कि राशिद खान को बुलाया जा रहा है वापस फाइनल खेलने के लिए, इसमें कितनी सच्चाई है?
लाहौर कलंदर ने पूरी कोशिश की, चार्टर्ड प्लेन भी उन्होंने ऑलमोस्ट अरेंज कर लिया था, लेकिन लॉजिस्टिक्स के इतने प्रॉब्लम है। पीर को तीसरा वनडे है अफगानिस्तान का बांग्लादेश से, वो खेलना जरूरी था, वो के सीरीज हार चुका है अफगानिस्तान, लेकिन लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम है, उसकी वजह से राशिद नहीं आ पाएंगे। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था वो ये था कि बांग्लादेश की सिंगल एंट्री वीजा है उनके पास, और उनको दोबारा वीजा लेने के लिए कम से कम 4 से 5 दिन लगेंगे, और फिर उसके बाद उनकी T20 सीरीज भी जुमेरात से शुरू हो रही है, तो राशिद खान बावजूद कोशिशों के नहीं आ सकेंगे। ये जरा ये डिस्ट्रक्शन है, ये लाहौर कलंदर्स के लिए अपने ऊपर ट्रस्ट करें, और उनके पास ऐसे मैच विनर मौजूद हैं। मैं अगर लाहौर कलंदर्स की बात करूं तो कल उनकी बैटिंग ऑर्डर फिर थोड़ा सा शफलिंग हुई है, नहीं करें, ये मेरे उनकी सजेशन है कि नहीं करें। आपके पास फखर जमान और अब्दुल्ला शफीक है, आप इसको चेंज करने के, सॉल्ट को आप ऊपर लेके जा रहे हैं, मेरे ख्याल से ऐसे कुछ नहीं है, ऐसे को उनको वाइजली आप उनको यूज़ करें। सॉल्ट को अगर परफॉर्म नहीं कर रहे तो उन पर प्रेशर ना डालें, उनको यूज़ करें, ऐसा स्लॉट दें, ऐसा टाइम दें जो कि वो अपना बेस्ट आपको दे जाए, ये बहुत स्मार्टली। इसी तरह जो सेकंड लास्ट मैच में उन्होंने टॉस जीत के पहले बॉलिंग कर ली, अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक्वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख जराए से मुसद्दका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY News पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।